वो बहुत खूबसूरत थी। हर कोई उसे देखता तो बस एक टक देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वो फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। 70 के दशक और 80 के दशक के शुरुआत के वक्त में सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परवीन बॉबी की, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। मगर इतनी खूबसूरती और लाखों दिलों की धड़कन परवीन बॉबी की मौत भी रहस्यमय थी दोस्तों, जो कि अब तक सिर्फ राज ही है। मगर पहली बार परवीन बॉबी की मौत पर उनके को स्टार रहे, उनके प्रेमी रहे कबीर बेदी ने मुंह खोला है, बहुत कुछ बोला है। परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी 2005 को मुंबई में ही हुई थी। परवीन बॉबी अपने घर में बेहद बुरी हालत में पाई गई थी। उनकी मौत के 4 दिन बाद पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो उस वक्त घर पर एकदम अकेली थी। इतनी बड़ी अदाकारा तड़पते तड़पते चली गई, मगर किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, किसी ने खबर तक नहीं ली। इन बातों पर उस वक्त भी सवाल उठे थे और आज भी ये सारे सवाल बिना जवाब के ही हैं। मगर अब परवीन बॉबी के कोस्टर रहे कबीर बेदी ने परवीन बॉबी की मौत पर बहुत कुछ कह दिया, कई रहस्यमय सवालों से पर्दा भी हटा दिया। दरअसल कबीर बेदी अपनी निजी जिंदगी पर आधारित एक बुक लॉन्च कर रहे थे। कबीर बेदी की बायोग्राफी का नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर। अब कबीर बेदी की इस बायोग्राफी में कबीर की लव लाइफ, टूटती शादियां और परवीन बॉबी की जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। बायोग्राफी के मुताबिक कबीर बेदी शादीशुदा होते हुए भी परवीन बॉबी के प्यार में पड़ गए थे। परवीन का रिश्ता महेश भट्ट और डैनी से भी रहा, लेकिन मेरा और परवीन का प्यार परवान पर था। किताब के मुताबिक परवीन अच्छी खासी थी, मगर अचानक वो बेहद डरी डरी रहने लगी, जैसे कि कोई उसे अपने वश में कर रखता हो। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वो पब्लिक लाइफ से गायब होती चली गई। सुनने में आता था कि परवीन ड्रगी हो चुकी थी, मगर जहाँ तक मैं परवीन को जानता था, वो नशे से दूर थी, बहुत दूर थी, और ऐसी चीजों से बहुत दूर रहने वाली लड़की थी। कबीर की बुक में लिखा है कि महेश भट्ट से बढ़ती नजदीकियों ने मुझे और परवीन को अलग कर दिया था। इसी बीच मेरी पर्सनल लाइफ भी हिचकोले खा रही थी और मेरी शादी टूट गई थी। कबीर बेदी कहते हैं कि साल 2005 में मुझे 24 जनवरी को अचानक फोन आया कि परवीन बाबी की मौत हो चुकी है। मुझे पता चला कि परवीन के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए थे और जब वो खत्म हुई तो तब बिल्कुल अकेली थी। कबीर ने लिखा कि जहाँ तक मुझे पता था महेश भट्ट उसके साथ थे, फिर कैसे परवीन अकेली रह गई। कबीर ने आगे लिखा, परवीन की मौत तो 20 जनवरी को हो चुकी थी, मगर निधन के 4 दिन बाद उनका शव जोह स्थित फ्लैट में पाया गया। उनकी बॉडी देखकर मैं पूरी तरह से हिल गया था। उनके पैर में गैंग्रीन था और वो व्हीलचेयर पर थी। उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। कभी लाखों लोगों की कल्पना में रहने वाली एक स्टार को इस स्थिति में देखकर मैं बुरी तरह से कांप गया। तभी वहां पर महेश भट्ट और डैनी भी पहुंचे। कबीर के मुताबिक महेश और मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए जुहू में कब्रिस्तान गए और इस्लामिक तरीके से उनका शव दफनाया गया। मगर मेरे मन में उस वक्त कई सवाल आए थे। मुझे सब नॉर्मल नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कुछ तो छिपाया गया है, कुछ तो दबाया गया है। मैं चाहता था कि मैं मीडिया में जाऊं, पुलिस की भी मदद लूं, परवीन की बॉडी का पीएम भी करवाऊं। मगर महेश भट्ट ने इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करवा दिया कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कबीर ने लिखा कि मुझे उस वक्त स्टेप उठाना चाहिए था, मगर मैं नहीं कर पाया, जिसका मुझे अब भी अफसोस है। वैसे कबीर बेदी की बातों को माने तो परवीन बॉबी और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में कई समानताएं दिख रही हैं दोस्तों। जैसे सुशांत भी पब्लिक लाइफ से अचानक गायब हो गए थे, वहां भी महेश भट्ट और यहां भी महेश भट्ट, वहां भी जबरदस्ती ड्रग का एंगल और यहां भी ड्रग और डिप्रेशन का एंगल। परवीन का वो अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में करवाया गया, सुशांत का भी, जबकि सुशांत के पिता बॉडी को पटना ले जाना चाहते थे, मगर मुंबई में सब कुछ जल्दबाजी में आनंद पानन में करवा दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं, बहुत कुछ छिपाने के लिए किया गया हो।
वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में सुशांत की तरह परवीन बॉबी की मौत के पीछे भी किसी तरह की साजिश हो सकती है? और क्या परवीन बॉबी की मौत की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वक्त में जो हुआ, अंतिम संस्कार को लेकर जो हुआ, वो बहुत कुछ सवाल खड़े करता है। कबीर बेदी के सवाल जरूर चुभने वाले हैं, बड़े हैं। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जस्टिस फॉर सुशांत एंड ऑल द इनोसेंट सोल्स के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि महेश भट्ट की तीन बेटियां आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और शाहीन भट्ट के अलावा उनका एक बेटा भी है जिसका नाम राहुल भट्ट है, जो एक फिटनेस ट्रेनर है। और राहुल भट्ट बिग बॉस 4 में भी नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल भट्ट ने 2012 में दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट के बारे में जो बात कही थी वो बेहद चौंकाने वाली थी दोस्तों, जो एक बार फिर से वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल भट्ट ने कहा था कि महेश भट्ट बहुत बुरे पिता हैं, वो कभी भी मेरे साथ नहीं थे जब भी मुझे एक पिता की ज़रूरत थी। इतना ही नहीं, राहुल ने बताया था कि उनके जन्म के बाद महेश भट्ट उनका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे, मगर राहुल की माँ ने जिद करके उनका नाम राहुल रखवाया था। राहुल ने कहा कि महेश भट्ट एक सच्चे मुस्लिम होते तो सारे बच्चों को एक नज़र से देखते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल भट्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि खूबसूरत औरतें शुरू से ही महेश भट्ट की कमजोरी रही हैं और वो उनकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि रिया के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं जो ये वायरल पिक्चर्स बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट की शादी, पहली शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी और अपनी पहली पत्नी से उन्हें दो बच्चे थे, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, और अपनी दूसरी पत्नी से उनको दो बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। हालांकि दो दो शादियां करने के बाद भी महेश भट्ट काफ़ी रंगीन मिजाज के रहे हैं और बॉलीवुड में इनके अफेयर्स के चर्चे हम सब जानते ही हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इन्होंने पूजा भट्ट के साथ भी एक शर्मनाक फोटोशूट करवाया था और उससे भी शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि वो पूजा भट्ट की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं और अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट के इस बयान से ही हम समझ सकते हैं कि उनकी शख्सियत कैसी है। और जो शख्स अपनी सगी बेटी के लिए ऐसी बात कह दे, वो क्या किसी पराई लड़की को अपनी बेटी मान सकता है दोस्तों? जैसा कि रिया कहती आई है कि वो महेश भट्ट को पिता समान मानती है। आपको बता दें, हाल ही में रिया की ही एक दोस्त ने खुलासा किया है कि 2017 में रिया महेश भट्ट से प्रेग्नेंट हो चुकी है। खैर, हम बस इतना चाहते हैं कि सुशांत के सारे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें।